नमस्कार। विद्यापीठ अनुदान आयोग नवी दिल्ली पुरस्कृत सेवापूर्व परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर यांच्या वतीने स्पर्धा परीक्षांची तयारी या विषयावर आयोजित 3 दिवसीय व्याख्यानमालेत मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। या कार्यक्रमासाठी शिवाजी विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू माननीय प्राध्यापक डॉक्टर DT शिर्के सर हे उपस्थित आहेत। मी त्यांचे स्वागत करतो। तसेच प्रमुख वक्ते जिल्हा परिषद कोल्हापूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमन मित्तल सर हेही उपस्थित आहेत। मी त्यांचे स्वागत करतो। श्री अमन मित्तल सर हे स्पर्धा परीक्षा आणि तरुण या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत। मी सेवापूर्व मार्गदर्शन केंद्राचे समन्वयक प्राध्यापक डॉक्टर PS कांबळे सर यांना विनंती करतो की त्यांनी स्वागत व प्रास्ताविक करावे। प्राध्यापक डॉक्टर PS कांबळे सर। शिवाजी विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू माननीय प्राध्यापक DT शिर्के सर, आजच्या या पहिल्या व्याख्यानासाठी खास वक्ते आपल्याला जे मिळाले आहेत ते माननीय अमन मित्तल सर, सर्व सहभागी विद्यार्थी बंधू भगिनींनो, सेवापूर्व स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिवाजी विद्यापीठ यांच्या वतीने आपण 3 दिवसांमध्ये एकूण 4 व्याख्यानांचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात ही आजच्या पहिल्या व्याख्यानानं होत आहे। या केंद्राच्या वतीनं असे जे तज्ज्ञ माणसं आहेत ज्यांनी अनुभव घेतलेला आहे त्या सर्वांची व्याख्यानं असतात आणि त्याचबरोबर दैनंदिन वर्ग क्लासेस सुद्धा असतात आणि या सर्व योगदानामध्ये या विद्यापीठाचे सर्व सन्माननीय अधिकारी माननीय कुलगुरू माननीय प्रकुलगुरू माननीय रजिस्ट्रार माननीय अकाउंट्स अँड फायनान्स ऑफिसर आणि सगळेच पदाधिकारी अत्यंत उत्साहानं आम्हाला मदत मार्गदर्शन करत असतात, त्यामुळेच अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं संयोजन करणं शक्य होतं। या लॉकडाऊनच्या काळानंतर थोडीशी शिथिलता आल्यानंतर विद्यार्थ्यांना प्रेरणा प्रोत्साहन द्यावं, त्यांनी स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीसाठी जोमानं प्रयत्न करावा या पार्श्वभूमीवरती गेल्या महिन्यामध्ये आपण 3 दिवसाच्या व्याख्यानमालेचं आयोजन केलं होतं आणि दुसऱ्या व्याख्यानमालेचं आयोजन आज आपण करत आहोत। आनंदाची गोष्ट आहे की सहभागी विद्यार्थ्यांची संख्या सातत्यानं वाढत आहे आणि वेबएक्स बरोबरच आपण युट्यूब लिंक सुद्धा दिलेली आहे, त्यामुळे युट्यूबवरती सुद्धा काही विद्यार्थी हे सहभागी होत आहेत। आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य म्हणजे पहिल्यांदा आदरणीय कुलगुरू सर, खरं म्हणजे ते त्यांच्या कार्यामध्ये बिझी होते, खास या सेंटरबद्दलची आस्था आपुलकीने आमच्यावरती असलेली त्यांची श्रद्धा आणि जिव्हाळा याचा परिणाम म्हणून ते बिझी असताना सुद्धा त्यांनी त्यांचं जे रिशेड्युलिंग केलेलं आणि आजच्या कार्यक्रमासाठी ते उपलब्ध झालेले आहे। मी या केंद्राचा समन्वयक म्हणून आदरणीय कुलगुरू सरांना मी अत्यंत मनापासून धन्यवाद देतो आणि आजच्या कार्यक्रमाचे जे प्रमुख वक्ते आहेत ते प्रमुख वक्ते अमन मित्तल सर यांचे स्वागत करतो। तुम्हा सर्वांचं सहभागी विद्यार्थी शिक्षकांचं मी स्वागत करतो। अत्यंत थोडक्यात मी आजच्या प्रमुख वक्त्यांची ओळख करून देणार आहे। थ्रूआउट मेरिटोरियस राहिलेले हे अमन मित्तल सर दिल्लीमधून आहेत, ते IIT दिल्लीचे पदवीधर आणि पदव्युत्तर आहेत आणि 2014 मध्ये सर IIT झालेले आहेत आणि ऑल इंडिया रँक मध्ये ते 10व्या क्रमांकाला 2014 बॅच मध्ये होती। नाशिकमध्ये सरांनी काम केलेलं आहे, आणखीन बाकीच्या ठिकाणी काम केलेलं आहे आणि आज ते कोल्हापूर जिल्हा परिषदेमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून ते काम करत आहेत। आदरणीय कुलगुरू सरांची ओळख करून देण्याची आवश्यकता नाही, अत्यंत नामांकित अशा प्रकारचे ते व्यक्तिमत्व आहे आणि तुम्हा सर्वांचं मी अत्यंत मनापासून मी स्वागत करतो, सर्वांना मी धन्यवाद देतो आणि आजचं कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक आणि पाहुण्यांची ओळख मी इथं थांबवतो। धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय कुलगुरू महोदयांना मी विनंती करतो की त्यांनी उद्घाटनपर मनोगत व्यक्त करावं। राणी माझं लावायचं तर नाहीये। सर्वांना नमस्कार। आजच्या UGC सेंटर फॉर कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशनच्या 3 डेज गेस्ट लेक्चर सिरीज ऑन प्रिपेरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामिनेशन, त्यामधील या सिरीजच्या पहिल्या व्याख्यानाचे व्याख्याते मिस्टर अमीन मित्तल, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर जिल्हा परिषद कोल्हापूर, या केंद्राचे समन्वयक प्राध्यापक PS कांबळे आणि सर्व पार्टिसिपंट्स,
पहिल्यांदा मी आपल्या सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि नवीन वर्षाच्या पहिल्याच आठवड्यामध्ये अतिशय चांगल्या उपक्रमाची सुरुवात प्राध्यापक पी एस कांबळे यांनी केली, त्याबद्दल त्यांनाही मनपूर्वक धन्यवाद देतो. खरं म्हणजे गेल्या 7 ते 8 महिन्यामध्ये बरेचसे उपक्रम आपली इच्छा असून सुद्धा आपल्याला सुरू करता आलेले नाही आहेत, पण काही ऑनलाईन चालू केलेले आहेत, काही ऑफलाईन मोडमध्ये चालू करायचा प्रयत्नात आहे. परंतु ही हा उपक्रम असा होता की आपल्याला याच्यामध्ये खूप उशीर करून चालला नव्हता, त्यामुळं प्राध्यापक कांबळे ज्यावेळेला प्रस्ताव घेऊन आले त्यावेळेला त्यांचं असं ठरलं की ऑनलाईन मोडमध्ये याची सुरुवात करूया, जशी जशी परिस्थिती निवडेल तशा पद्धतीने आपण ऑफलाईनमध्ये पण जाऊया. या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशन कोचिंग सेंटरचा जो काही गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहिला तर अतिशय चांगल्या पद्धतीनं या कोचिंग सेंटरचं काम चांगल्या पद्धतीने सुरू आहे आणि त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने यश सुद्धा आपल्या काही परीक्षार्थींना मिळालेलं आहे. आणि आज मला अतिशय आनंद होतो एवढ्यासाठी की आजचे व्याख्याते जे आहेत ते एक रोल मॉडेल म्हणून त्यांच्याकडे बघायला हरकत नाही. एक अभियांत्रिकी शिक्षण घेतला एक अभियंता IAS ऑफिसर अतिशय चांगल्या क्रमांकानं होतात आणि आपल्या समोर पहिल्याच व्याख्यानाला येतात, तर ते ह्याच्यापेक्षा चांगला योग नवीन वर्षानिमित्त होऊ शकत नाही असं मला वाटतं. मित्र हो, शिवाजी विद्यापीठ या रिजनचं पोटेन्शियल आहे, त्या पोटेन्शियलला सपोर्ट करायला नेहमी पुढं असतो, उत्सुक असतो. सुरुवात तर आता झालेली आहे. मला ज्यावेळेला पहिल्यांदा या एक्झामिनेशनच्या एंट्रन्सबद्दल सांगण्यात आलं त्यावेळेला आपण दरवर्षी फक्त 100 विद्यार्थ्यांना घेतो, तर यावर्षी व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेनं 125 विद्यार्थ्यांची क्षमता आपण केलेली आहे. या केंद्राला मिळणारा प्रतिसाद, विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा आणि मिळणारं त्यांना यश, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून विद्यापीठाची मॅनेजमेंट कौन्सिल फार सकारात्मक दृष्टीनं या केंद्राच्या बाबतीत विचार करत आहे. परवाच्या एका बैठकीत अनौपचारिक बैठकीमध्ये काही सदस्यांनी अशी इच्छा व्यक्त केली की आपण एक फुल फ्लेज सेंटर सुद्धा म्हणून याच्याकडे बघायला हरकत नाही आहे. युनिव्हर्सिटी ग्रँट्स कमिशनने जरी एक स्कीम म्हणून बघितले असेल तर शिवाजी विद्यापीठाची स्वतःची स्कीम का असू नये याबद्दल सुद्धा ही विचार झालेला आहे आणि तो अतिशय सकारात्मक झालेला आहे. त्यामुळं विद्यापीठाची भूमिका, जे काही पोटेन्शियल कॉम्पिटिटर्स आहेत त्यांना नेहमी सपोर्ट करायचं, त्यांना रिसोर्सेस पुरवायचे आणि चांगले चांगले मार्गदर्शक त्यांना त्यांच्या फक्त प्रोत्साहन देण्याकरता नाही तर त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर टाकण्यासुद्धा त्यांना निमंत्रित करायचं आणि त्यांच्या व्याख्यानाची नियोजन करायचं अशा पद्धतीने हे सुरू आहे. मला वाटते 3 ची वेळ होती आणि 3 च्या वेळेमध्ये उद्घाटनामध्ये खूप सारा वेळ घालणं बरोबर नाही आहे. आपल्या भेटी होत राहतील, पुढेही व्याख्यानं होत राहतील. मी फक्त शिवाजी विद्यापीठाचा कुटुंब प्रमुख पण मला एवढंच आश्वासित करायचं आहे की या कोचिंग क्लासेससाठी आणि आपल्या यशासाठी ज्या ज्या गोष्टी शिवाजी विद्यापीठाकडून करणं अपेक्षित आहे त्या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा मी आपल्यासाठी करेन. फक्त आपण दोनच गोष्टी कराव्या, या स्पर्धा परीक्षेसाठी चांगलं प्लॅनिंग करावं, म्हणजे पहिला पी आहे तो चांगलं प्लॅनिंगमध्ये असावं आणि दुसरा पी आहे तो पुटिंग प्लॅन इन टू प्रॅक्टिस, दुसरा पी आहे तो तुमचा प्लॅन एक्झिक्युशनमध्ये टाकावा आणि परत पाहिजे असेल तर रिप्लॅनिंग करावं आणि अगेन रिप्लॅन हॅज टू बी पुट इन टू प्रॅक्टिस प्रॉपरली अंटिल यू गेट सक्सेस. म्हणजे आपल्या सर्वांना या नवीन वर्षानिमित्त या स्पर्धा परीक्षेमध्ये उत्तुंग यश मिळण्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा देतो. मित्तल साहेबांना त्यांनी आमच्या पहिल्या व्याख्यानात स्वीकारल्याबद्दल त्यांना धन्यवाद देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर आपल्या अनमोल मार्गदर्शनाबद्दल. मी श्री अमन मित्तल सर यांना विनंती करतो की त्यांनी आमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावं. श्री अमन मित्तल सर. धन्यवाद अँड VC सरांना स्पेशल थँक्स फॉर द इनॉग्रेशन. माझी आवाज येते सर्वांना मला वाटतं? यस यस, ऑडिबल सर, ऑडिबल आवाज येतो, काय प्रॉब्लेम नाही. तर आता आजचा जो महत्वाचा आपला हे मुद्दा आहे आणि जो मुद्दा मला दिला ते आहे स्पर्धा परीक्षा आणि तरुण. आता सर्वात पूर्वी तर मी UGC सेंटर फॉर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम कोचिंग यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी मला ही संधी दिली आपले सगळे लोकांशी बोलण्यासाठी. आणि मी बोलताना आय विल बी युझिंग इंग्लिश, हिंदी आणि मराठी, तर आय होप दॅट विल बी ओके. ओके, ते चॅटमध्ये लिहू शकतात, सो मी ते तसेच करेक्ट करतो आणि कोणाला सजेस्ट काही प्रश्न असेल तर इथे चॅटमध्ये आपण टाकलं तर मला ते दिसतील आणि आय विल बी एबल टू ते इन्क्लूड करू शकणार मी माझे
बोलताना मी जो काही मला बोलायचं त्यामध्ये. तर आता सर्वांना आणि स्पेशल व्हीसी सरांना स्पेशल थँक्स म्हणून मी आता सुरुवात करतोय. तर सर्वात महत्वाची बाब काय आहे की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स आणि युथ आणि तरुण स्पर्धा परीक्षा आणि तरुण यामध्ये दोन भाग आहे, स्पर्धा परीक्षा आणि तरुण, आणि दुसरा मला वाटतं स्पर्धा परीक्षा म्हणजे स्पर्धा परीक्षा कशासाठी आहे आणि यांच्या यामध्ये तरुण म्हणजे यंग पीपल यांच्या काय रोल असतात. तर ह्यामध्ये तर मला वाटतं सर्वात पूर्वी स्पर्धा परीक्षा एटलीस्ट ज्या स्पर्धा परीक्षेला आम्ही विचार करतोय ते 90% ऑफ द टाइम्स ते स्पर्धा परीक्षा जो असतात ते तरुण साठी असतात. एक ते यूपीएससी असेल, एमपीएससी असेल, बँकिंगचे जॉब्स असतील, आणखी काही स्पर्धा परीक्षा असतील, तर त्यासाठी स्पर्धा परीक्षा सर्वात महत्वाचा रोल असतात. त्यामध्ये स्पर्धा परीक्षा मार्फत एक एखादा ज्या मोस्टली ज्यांना आम्ही विचार करतो एक तर एंट्रन्स एक्झामिनेशन सारखा आम्ही विचार करतोय, युनिव्हर्सिटीचा एंट्रन्स असेल किंवा मेडिकलचा एंट्रन्स असेल, इंजिनिअरिंगचा एंट्रन्स असेल, आणखी कोणताही एंट्रन्स असेल. आणि दुसरा जो आम्ही जो मुद्दा आहे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स मध्ये ते स्पर्धा परीक्षामध्ये ते जॉब रिक्रुटमेंट साठी जो स्पर्धा परीक्षा असतात. तर आजचा जो मेजर मुद्दा आहे, कारण की जो टार्गेट ऑडियन्स पण कशी आहे, तर मला वाटतं मी ते जो रिक्रुटमेंट एक्झाम साठी जो रिक्रुटमेंट साठी जो स्पर्धा परीक्षा असतात म्हणजे जॉब साठी जो स्पर्धा परीक्षा असतात त्यावर मी आज लक्ष देणार आहे. आणि ते त्यांच्यासाठी मला वाटतं खूप मुलांची मुलींची उत्सुकता असतात की जॉब ते ज्यावेळी ते कॉलेजचे थर्ड इयर झाला त्यावेळीपासून आणि शेवटपर्यंत आम्हाला चांगली जॉब कसे मिळेल, ते चांगली जॉब मिळाली तर आणखी चांगले कसे होऊ शकतात. आणि त्यासाठी सर्वात महत्वाच्या असतात परीक्षा, कधी स्पर्धा परीक्षा असेल किंवा पुढची प्रमोशनची परीक्षा असेल. आणि ज्यावेळी आम्ही हे परीक्षाचा विचार करतोय तर आमच्या समोर खूप प्रकारची परीक्षा येतात. तर एक परीक्षा कोणती स्पर्धा परीक्षा आली तर त्यांना अप्रोच कसे केला पाहिजे ह्यांचा हे माझा पहिला भाग असणार. आणि दुसरा भाग हे असणार की त्यामध्ये कसे एक बॅकअप प्लॅन केला पाहिजे किंवा त्या कसे केला पाहिजे त्यासाठी मी दुसरा एक छोटासा दोन मुद्द्यावर का बोलणार आहे. कारण की पहिला मुद्दा बऱ्यापैकी जो मुद्दा ते कव्हर करणार आहे. आता पहिला मुद्दा जो आहे ते आहे की स्पर्धा परीक्षेला अप्रोच कसे करायचे स्पेसिफिकली तरुण. आता ज्यावेळी आणि ह्यामध्ये जो युथचा भाग आहे मी त्यावर पण फोकस करणार, कारण की त्यामध्ये काय असतं आम्हाला खूप चॉईसेस असतात. एक स्पर्धा परीक्षामध्ये जायचे आहे किंवा पुढे एज्युकेशन कंटिन्यू करायचे आहे किंवा दोघी करायचे आहे किंवा आणखी एक काहीतरी वेगळा करायचे आहे. तर आय थिंक व्हॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन ऑल दिस इज टू एन्श्युअर की व्हॉट इज आवर फोकस, आमचा फोकस काय आहे. कारण स्पर्धा परीक्षा मुळात असं नाही की खूप टफ आहे, इट इज नॉट व्हेरी टफ फ्रॉम इट्स व्हेरी कोर. द एक्झामिनेशन इज नॉट व्हेरी टफ. व्हॉट मेक्स एनी कॉम्पिटिशन टफ, कोणतीही स्पर्धा परीक्षेला टफ कसे होतात, ही स्पर्धा परीक्षामध्ये जो काही लोक अपियर होत आहे द कॅन्डिडेट्स मेक इट टफ, द कॉम्पिटिशन मेक इट टफ. म्हणजे काय, वी कॉल आता आय विल गिव्ह यू सिंपल एक्झाम्पल, यूपीएससी. यूपीएससी का अगर आपने पेपर देखा, जर आपण पेपर बघितला यूपीएससीचा, इट इज नॉट व्हेरी टफ व्हेन यू कॅन सॉल्व इट अँड यू विल रिअलाइज क्वेश्चन्स आर नॉट व्हेरी टफ एज सच. अगर इंडिविजुअली उसको एग्जाम दिया जाए तो आई थिंक पीपल विल बी एबल टू स्कोर क्वाइट अ हाई स्कोर. बट व्हाट मेक्स इट टफ इसकी उस यूपीएससी पेपर से लेट्स से 1000 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, उसमें जो बैठते हैं दैट इज अराउंड लेट्स से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख स्टूडेंट्स. तो लाइक 1000 आउट ऑफ 10 लाख का सिलेक्शन होने वाला है, तो इस वजह से उसके टफनेस एस्पेक्ट आती है. अब वो जो टफ होता है
वो टफ के भी दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो इनहेरेंटली वो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है और दूसरा हम लोगों को खुद से भी घबराहट होती है. वी आर सेल्स फियर दैट ओके देयर इज सच अ बिग टफ कॉम्पिटिशन, हाउ डू वी गो अहेड विद इट, एंड दैट इज वेयर वी एंड अप क्रिएटिंग अ मिस्टेक. तो आई थिंक दिस इज वेयर आई वुड से दैट द प्रिंसिपल ऑफ जो गीता का जो पार्ट कहते थे दैट इज वेरी वेरी यूजफुल कशासाठी, कारण कि पहला भाग कि मुळात कॉम्पिटिशन ते आपल्या हातात नाही. वी कॅनॉट गो अँड से टू एनीवन की आता तुम्ही फॉर्म भरू नका, या वर्षी मी भरणार आहे, पुढच्या वर्षी तुम्ही भरा. हे दॅट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट इलेक्शन्स, इट इज इन देअर हँड्स. 1 लाख मुलांनी फॉर्म भरला किंवा 10 लाख मुलांनी फॉर्म भरला किंवा 50 लाख मुलांनी फॉर्म भरला हे तुमच्या हातात नाही, पण दुसरी जी बाब आहे ते तुमच्या हातात आहे. ठीक आहे, दॅट इज की यू डू नॉट हॅव टू बी वरीड अबाउट इट. ते लोक काय करतात, घाबरून काहीतरी मिस्टेक करतात आणि ते नाही केलं पाहिजे, कारण की दिस इज द एक्झाम लेवल ऑफ इयर ते सोडला पाहिजे. आता एक्झाम डेच्या फियरची चर्चा झाली, बट उससे पहले क्या करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज, वेन एवर यू आर लुकिंग एट एनी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, स्पर्धा परीक्षाला ज्यावेळी तुम्ही विचार करतोय, तर सर्वात पूर्वी हे बघितलं पाहिजे की कोणती स्पर्धा परीक्षेसाठी मी बसणार आहे. यूपीएससी असू शकतात, एमपीएससी असू शकतात, किंवा काही बँकिंगची जॉब असू शकतात, किंवा आणखी काही. वेन यू हॅव सीन की मुझे जो है लेटर से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूपीएससी के लिए बैठना, यूपीएससी से क्या क्या होता है, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं, ऐसे जॉब्स हैं. फर्स्ट थिंग यू शुड डू वंस यू डिसाइडेड ये करना है इज टू यू शुड क्लियरली लुक एट द लास्ट फ्यू ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स, कि उसमें किस तरह की क्या सिलेबस है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये मैं क्यों बोल रहा हूं, व्हाई एम आई सेइंग दिस, कारण की ज्यावेळी अपन एग्जाम की प्रिपरेशन करता तो त्यांची मुळात प्रिपरेशन सर्व एग्जाम्स की वेगळी असता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जाम देना है जिससे आप आईएएस बनते हैं, उसकी तैयारी जनरलाइज होती है, उसमें सिलेबस ज्यादा होता है, बट क्वेश्चंस बहुत डीप में नहीं पूछे जाते हैं. उसमें जैसे ऑप्शनल आपने लिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल लिया, आई विल गिव माय एग्जांपल, तो उसमें इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चंस बहुत डीप में नहीं पूछे जाएंगे, बट पूरी वाइड वेराइटी से पूछे जाएंगे. सो यू शुड बी एबल टू हैव अ गुड आइडिया अबाउट ऑल द टॉपिक्स. ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू लुक एट एन एग्जामिनेशन लाइक आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसमें वही इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस बहुत डीप में पूछे जाते हैं. तो दिस इज अ कोर डिफरेंस दैट यू विल फाइंड विद इन एग्जामिनेशंस. व्हाई एम आई टेकिंग दिस एज माय फर्स्ट पॉइंट, कारण की मुळात ज्यावेळी आम्ही तरुण असतात, व्हेन वी आर यंग, वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फोकस, वी डू नॉट नो व्हाट टू फोकस ऑन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू नॉट नो हम किस एग्जाम में बैठे, तो लोग क्या बोलते हैं कि चलो सब एग्जाम में बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हो जाएगा. दैट इज नॉट द केस, बिकॉज इवन इफ द सिलेबस रिमेन्स द सेम, द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड दैट इज वेरी डिफरंट. म्हणजे जरी त्यांचा सिलेबस सेम आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरच आहे, इंजिनिअरिंग आहे, पण इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मध्ये आयएएस मध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारतात आणि आयईएस मध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारतात, यामध्ये खूप डिफरन्स आहे, खूप डिफरन्स आहे. आणि ते डिफरन्स कशासाठी आहे, ते डिफरन्स कशासाठी आहे, कारण की त्या एक्झामचा इनहेरंट पर्पज काय आहे, त्यामुळे ते डिफरन्स आहे. काय सारखं सारखं फोन लागायचं ना, तो मुळात डिफरन्स कधी आला की व्हेन आय एम गिविंग एन एग्जामिनेशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस, तो उनको किस तरह के लोग सिलेक्ट करने हैं, प्रोबेबली हु आर एनालिटिकल, हु आर मोर जनरलिस्ट, बट हु आर एबल टू प्रोबेबली थिंक एंड हु आर प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये क्वालिटीज यूपीएससी सिविल सर्विस में से निकालनी है उनको. बट वही एग्जाम जब
इंजीनियरिंग सर्विस में जाता है वही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन को जो लोग चाहिए उनको वो लोग चाहिए जो आर टेक्निकली वेरी साउंड, हु नो कि भाई अगर मान लीजिए रेलवे चलानी है तो कोई भी फॉल्ट अगर आता है तो उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए। अब मान लीजिए मुझे अगर यही नहीं, आई एम अ वेरी गुड डिसीजन मेकर बट मुझे यही नहीं पता है कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो मैं इंजीनियरिंग सर्विस में जाके क्या करूंगा, बराबर है। तो इसीलिए उनको लोग ऐसे चाहिए कि भाई जिनको एक्चुअली पता है कि चीजें कैसे सॉल्व होंगी, हु आर टेक्निकली वेरी साउंड। तो दैट इज वेयर द डिफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन कम इन। सो बैंकिंग एग्जाम विल आस्क यू क्वेश्चन विच टेस्ट यू फॉर द स्किल सेट्स दैट दे आर लुकिंग फॉर अ बैंकिंग काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब लॉजिक आना चाहिए, थोड़ा कॉमर्स की नॉलेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होनी चाहिए, ऑल दीज आइडियाज, लॉजिक लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो दैट विल बी प्रोबेबली एज इन अ बैंकिंग काइंड ऑफ एन एग्जामिनेशन। तो इसलिए माझा सर्वात पहला मुद्दा हे आहे कि कोणती एग्जामसाठी प्रिपेअर करत आहे आपण, ह्यांच्या एक हे रिव्ह्यू घ्या आणि त्यामधून व्हाट इज द एग्जामिनेशन टाइप, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड व्हाट हाउ व्हाट इज द वे ऑफ सिलेक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दिस वे ऑफ सिलेक्शन, मैंने उसमें एक वर्ड भी ऐड भी किया वे ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि एक वे ऑफ सिलेक्शन में एक चीज तो हुई रिटन एग्जामिनेशन, बट दूसरी चीज होती है इंटरव्यू। अलग अलग टाइप के आपके रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, कुछ रिक्रूटमेंट एग्जाम में आपके जैसे आपका कैट वगैरह का एग्जाम हो विच इज नॉट एसेंशियली अ रिक्रूटमेंट एग्जाम बट इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कैट इज एक ऑप्शन होता है जिनको एमबीए वगैरह करना है वो कैट देते हैं, या बाहर के एग्जाम दे सकते हैं जीमैट वगैरह, उनमें एक अलग तरह से प्रिपरेशन होती है, उसमें आपके 10th और 12th के मार्क्स और प्लस उसका कैट का स्कोर और उसके बाद पीआई पर्सनल इंटरव्यू और जीडी, अभी जीडी शायद नहीं होगा कोविड की वजह से, बट जीडी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह रहते हैं, उसकी तैयारी एक अलग तरह से करी जाती है। तो उसमें आपको ग्रुप डिस्कशंस टाइप्स की चीजें भी, यू नीड टू हैव अ ब्रॉडर नॉलेज, ग्रुप डिस्कशन या पीआई होता है उसमें आपको ब्रॉड नॉलेज काफी चाहिए होती है, एंड उसमें मोर देन व्हाट यू आर सेइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ यू आर सेइंग इट। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू किसी का लूंगा या कोई भी किसी मेरा इंटरव्यू लेगा या कोई भी किसी का इंटरव्यू भी लेगा, तो वो इंसान ये नहीं चाह रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर तुमने दे दिया तो बस बहुत ही मतलब एक्सेलेंट हो गए, उस वो इंसान ये देखना चाहेगा कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन व्हाट यू आर सेइंग, आप डिसीजन मेकिंग में कितने अच्छे। जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस में, मे बी सिविल सर्विस में दे विल नेवर आस्क, दे विल नेवर सिलेक्ट यू ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हें ये टेक्निकली पता है कि नहीं, दे विल रेदर आस्क यू वेदर व्हाट यू आर सेइंग मेक सेंस एंड वेदर यू आर एबल टू लॉजिकली करेक्ट योरसेल्फ। अगर आप उसके अंदर बोले कि ये कागज व्हाइट है और उसके बाद किसी ने बोला कि नहीं ये व्हाइट नहीं लग रहा, तो आप बोलते नहीं ये पिंक है, बोले नहीं ये तो रेड दिख रहा, तो आप बोलते नहीं ये रेड है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड अ वेरी गुड क्वालिटी फॉर अ सिविल सर्वेंट। बट मान लीजिए आपका इंटरव्यू कलर डिटेक्शन के ऊपर ही है, तो उसमें तो यू शुड बी, ये व्हाइट है तो व्हाइट है ये आपको बोलना पड़ेगा, उसमें अगर ये रेड कलर को आपने व्हाइट बोल दिया तो वो टेक्निकल नॉलेज आपकी गलत हो गई, तो उसमें वो जो इंटरव्यू का टाइप भी अलग हो जाएगा। सो यू शुड नो कि अगर जनरल जनरल जनरलिस्ट के लिए वो एक इंटरव्यू है तो हाउ यू से इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट, योर कॉन्फिडेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वो होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट की। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेशली फॉर ऑल द यूथ, कि आपको फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्जाम देना है, उस एग्जाम का टाइप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस एग्जाम में सिलेक्शन किस तरह से होता है एंड सिलेक्शन कशा प्रकारे होता है आणि कशा प्रकारे त्यामध्ये टप्पे काय काय आहे, इंटरव्यू काय आहे, रिटन एग्जाम काय आहे, रिटन एग्जामचा सिलेबस काय आहे, रिटन एग्जामचा एक सिलेबस असेल तर त्यामध्ये कशा प्रकारचे प्रश्न विचारतात, किती डीप नॉलेज विचारतात, आणि त्यानंतर इंटरव्ह्यू आहे तर इंटरव्ह्यू मध्ये काय काय भाग आहे, त्यामध्ये ग्रुप डिस्कशन पण आहे किंवा फक्त इंटरव्ह्यू आहे, ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, एंड पर्सनल इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरह करनी चाहिए दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। तो दिस बिकम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टार्टिंग एनी प्रिपरेशन। दिस वॉज माई पॉइंट ऑफ
प्री प्रिपरेशन एंड ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू. ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू मैंने ये बोला, ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू मैंने यही बोला कि भाई आपको बस घबराहट नहीं करनी चाहिए, यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल गिविंग द एग्जाम एंड यू कैन ओनली कंट्रोल हाउ वेल यू आर एबल टू गिव योर ओन एग्जाम. तो इसलिए ऑन द डे ऑफ एग्जाम आपको घबराहट नहीं लेनी चाहिए. और प्री एग्जामिनेशन मैन यू हैव टू डिसाइड कौन सा एग्जामिनेशन के लिए जाना है, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन टर्म्स ऑफ विच एग्जामिनेशन यू वॉन्ट टू सेट फॉर. उसका टाइप क्या, उसका टाइप क्या होता है, एंड लास्टली उसका जो टाइप है उसमें किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें क्या क्या राउंड्स रहते हैं और कौन कौन से राउंड में किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो एज आई अगेन आई हैव सेड कि टेक्निकल होगा तो उसके अंदर यू नीड टू हैव टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी देन वी माइट एंड अप कॉलिंग अ लैपटॉप एज अ टैबलेट एंड विच इज नॉट कंसिडर गुड. बट when you are looking for a generalist kind of an exam jaise IAS wagera, uske liye you will probably need more of a everything your confidence matters and you need more of functional knowledge and you have to be a kind of a decision maker. So you need to understand which kind of examination it is and sabse important teeno mein cheeze hongi ki confidence, your confidence matters. Abhi ye cheez to hui as far as the competitive examination ko decide kar. उसमें सेकंड चीज पे मैं आता हूँ कि अभी उससे पहले क्वेश्चन किसने पूछा कि एट व्हाट स्टेज शुड वन स्टार्ट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. अब उसके लिए यू शुड नो विच काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू शुड यू वांट टू गो फॉर. जैसे कैट है, कैट इज समथिंग दैट यू जनरली गिव ड्यूरिंग द आई थिंक कॉलेज के टाइम पे या उसके साथ देते हैं, या अगर आपको 2 years वर्क एक्स चाहिए तो वर्क एक्सपीरियंस के 2 साल के बाद आप दे सकते हैं. तो दैट इज वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट व्हेन यू लुक एट एन एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, उसके लिए यू नीड एटलीस्ट 1 year की तैयारी. आई विल बी नाउ आई विल बी स्लाइटली मोर फोकस्ड टुवर्ड्स यूपीएससी क्योंकि वो मुझे काफी मतलब आई हैव गॉन थ्रू यूपीएससी. यूपीएससी के लिए आपको जनरली 1 साल की तैयारी बोलते हैं. अब जनरली क्या करते हैं, प्रीलिम्स से 1 साल पहले से आपको तैयारी करनी चाहिए. मान लीजिए तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2022 का प्रीलिम्स. अगर 2022 का प्रीलिम्स अगर मई में हो रहा है तो मई 2021 तक आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड एज सच उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कुछ लोग बहुत जल्दी भी तैयारी कर लेते हैं और कुछ लोग को बहुत टाइम भी लगता है. तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, बट एक जनरल बेसिक आइडिया है 1 साल फॉर यूपीएससी. तो या सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट उसमें क्या है कि वंस आई जस्ट गिव अ बिट ऑफ माई एग्जाम्पल. आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, मेरा डुअल डिग्री कोर्स था तो जो लास्ट ईयर था एमटेक ईयर, हमें बीटेक एमटेक का 5 ईयर कोर्स था. तो मेरे लास्ट ईयर में इन द 5th ईयर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. सो आई वॉज टू ग्रेजुएट इन मे 2014. एंड अच्छा हाँ, आपको ये भी जानना इम्पोर्टेंट है कि आप कब दे सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज समथिंग दैट यू कैन नॉट गिव बिफोर गेटिंग द डिग्री. तो मान लीजिए आप ग्रेजुएट ही 2014 में हो रहे हैं, 2020 में हो रहे हैं, 2021 में हो रहे हैं, तो आप 2021 वाला ही अटेम्प्ट दे सकते हैं, 2020 वाला नहीं दे सकते. 2022 में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो 2021 वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते बिकॉज एट द टाइम ऑफ आई थिंक इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म, एट द टाइम ऑफ प्रीलिम्स आपके पास डिग्री होनी चाहिए. वो चेक कर लिया कीजिएगा. सिमिलरली यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो मैं आई विल गिव यू माय एग्जांपल, तो उसमें से यू विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कि मैंने मई 2014 में मेरा प्रीलिम्स था तो मैंने अप्रोक्सीमेटली अप्रैल 2013 के आसपास तैयारी स्टार्ट करी थी. एंड मेरा ग्रेजुएशन हुआ फिर मेरा सॉरी अगस्त 2014 में प्रीलिम्स था, तो मैंने अप्रैल 2013 के आसपास तैयारी स्टार्ट करी थी. एंड मेरा एमटेक खत्म हुआ था मई 2014 में. उसके बाद एंड मेरा ऑप्शन इलेक्ट्रिकल था. सो इलेक्ट्रिकल अगर टेक्निकल ऑप्शंस अगर आप लेते हैं तो जनरली टेक स्लाइटली मोर टाइम, बट मई 2014 में माय ग्रेजुएशन गॉट ओवर. एंड उसके बाद मैं ऑलरेडी तैयारी कर रहा था ड्यूरिंग द लास्ट ईयर,
उसके बाद अगस्त में प्रीलिम्स दिया, दिसंबर में मेंस हुआ, एंड उसके बाद आई वाज एबल टू इंटरव्यू होने के बाद आई वाज एबल टू गेट थ्रू द आईएएस। तो नाउ दिस एंटायर प्रोसीजर फ्रॉम योर प्रीलिम्स टू द फाइनल रिजल्ट इन इटसेल्फ 1 ईयर, और तब तक योर सेकेंड मतलब 2015 का जो प्रीलिम्स है वो रिजल्ट आने के शायद 1.5 महीने बाद ही था। तो दिस इज वेयर यू शुड नॉट स्टॉप प्रिपेयरिंग आफ्टर, जिससे सबसे अच्छी चीज मैंने क्या करी थी, आफ्टर गिविंग द मेंस आफ्टर 2 to 3 days मैंने ऑलरेडी सेकेंड अटेम्प्ट की भी तैयारी स्टार्ट कर दी। हाँ दिस इज अनदर थिंग दैट यू रियली नीड टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग प्रिपरेशन, आप कितने अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्योंकि आई हैव सीन पीपल वेस्टिंग अ लॉट ऑफ ईयर्स, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ ईयर्स जस्ट बिकॉज दे हैव नो आइडिया कि वो कब तक अटेम्प्ट देने वाले हैं, एंड दैट इज वेर यू शुड हैव अ प्लान बी इन माइंड कि लेट अस से मेरा 2 साल, जस्ट 2 साल में लेट अस से मेरा नहीं हुआ तो आई विल गिव मे बी ये वाला एग्जाम और इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम या किसी और का एग्जाम, और अगर 4 साल में नहीं हुआ तो आई विल गिव दिस ये 2 एग्जाम के लिए मैं और तैयारी करूंगा। सो दिस लेवल ऑफ प्लान बी यू शुड हैव, मेरा था कि आई विल गिव 2 अटेम्प्ट्स तो, और उसके बाद आई विल थिंक अबाउट प्लान बी, मतलब सेकेंड अटेम्प्ट का तो आई विल थिंक अबाउट प्लान बी। तो उसके बाद थैंकफुली मेरा हो गया, बट यू ऑलवेज नीड टू थिंक कि आप पहले, क्योंकि आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि पहला और दूसरा अटेम्प्ट जो है वो आप फुल मेहनत से दीजिए, उसमें आप प्लान बी मत सोचिए, क्योंकि उसमें आपने प्लान बी सोच लिया ना तो दिक्कत क्या होती है, कहीं ना कहीं और माइंड से या बॉडी से इसकी यार भी इतना स्ट्रेस नहीं है अपने आपको, लाइफ में इतना स्ट्रेस नहीं है तो ठीक है अभी चलने तो जैसा चल रहा है, बट यू हैव टू स्ट्रेस योर बॉडी, यू हैव टू स्ट्रेस योर माइंड टू समवॉट सेइंग कि नहीं मैं 2 अटेम्प्ट बहुत अच्छे से दूंगा उसके बाद आई विल गो फॉर अ प्लान, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट ऑलवेज हैव अ प्लान बी पोस्ट दिस थिंग, पोस्ट एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी। नाउ आई विल कम टू दिस क्वेश्चन, हाउ डिड यू बिगिन प्रिपरेशन। तो अब जैसे, हाँ अब जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भाई प्रिपरेशन मुझे करनी है, तो सबसे पहले आपने ये देखा कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बता रहा है ये कि कलेक्टर तो व्हेन यू है ना, कलेक्टर है ना अमन मित्तल। तो जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको पता चल गया, तो नाउ यू हैव टू रियलाइज किस तरह की बुक्स पढ़नी है। जैसे यूपीएससी है तो उसमें सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स उठाएंगे फॉर जनरल स्टडीज, और ऑप्शनल के लिए आप देख लीजिए कि कौन कौन से बुक्स यूज होती हैं, बट यूज मिनिमम बुक्स। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, यूज मिनिमम बुक्स बुक्स, क्योंकि क्या होता है मेरे साथ भी प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, हम क्या करते हैं बहुत सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं एंड देन वी आर नॉट एबल टू डू इट। तो बिकॉज वी नॉट एबल टू, तो हमारे बॉडी को माइंड को भी कंफ्यूजन होता है एंड दैट लीड्स टू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड हमारी परफॉर्मेंस नीचे जाती है। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने 90% अपनी बुक्स जो है उठा के बाहर मतलब फेंक दी तो नहीं बोलूंगा, बट आई हैड केप्ट इट इन अ लॉकर कि मुझे नहीं ये बुक्स नहीं पढ़नी है। आई मेड अ सेट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स विच आर एक्चुअली नीडेड टू फिनिश द कोर्स, और उन बुक्स को बार बार करना इज मोर इम्पॉर्टेंट, जैसे एनसीईआरटी वगैरह को बार बार करना, एंड ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उस टाइम पे इनसाइट्स ऑन इंडिया के क्वेश्चंस आते थे, अब आई थिंक आईएएस बाबा भी आ गया था, फॉरम आईएएस भी आ गया था, बहुत सारे भी ऑनलाइन मृणाल था, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे, तो वो सब रिसोर्सेज जो है वो यूज करके उसके डेली आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ आप ये चीज याद रखिए, अगर आप यूपीएससी के लिए बोलूँ मैंने इतनी आंसर राइटिंग करी थी कि आई यूज टू राइट एटलीस्ट 10 to 20 क्वेश्चन डेली, और मेरे मेन्स से 2 महीने पहले मैं डेली 3 या 4 पेपर देता था। ऑलवेज इंश्योर कि आप 3 घंटे में अपना पूरा पेपर कर पाए, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि राइटिंग और थिंकिंग देयर इज अ वेरी क्लियर कोरिलेशन आपकी राइटिंग में और आपकी थिंकिंग में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी थिंकिंग इतनी फास्ट नहीं हो पाएगी उस टाइम पे व्हेन यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में जब मैं आंसर लिखना स्टार्ट करता था तो मुझे 15 20 25 मिनट लगते थे, बाय द टाइम आई यूज्ड टू गिव द एग्जामिनेशन मैं बराबर 7 मिनट से पहले पहले क्वेश्चन लिख लेता था। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोगों को यही हुआ था जब मैंने एग्जाम दे रहा था मेरे एग्जाम सेंटर पे, वो एग्जाम पेपर खत्म नहीं कर पाते और मेरा बकायदा 5 मिनट पहले खत्म हो जाता था, बिकॉज मेरी तैयारी इतनी अच्छी थी बकायदा, मैं तो
हर पेपर मैं 5 मिनट पहले खत्म कर लेता था, बिकॉज मेरी तैयारी से मैं 5 मिनट डिसाइड कर रखा था। मेरी तैयारी, मेरी घड़ी के हिसाब से मुझे 7 मिनट से कम लगते थे आंसर लिखने में। अब लकीली उस दिन 20 क्वेश्चन आए मेरे साल में, पहले 25 क्वेश्चन आए थे मुझसे जस्ट पहले साल में, मेरे साल में 20 क्वेश्चन आए। तो उस 20 क्वेश्चन में बराबर मैंने 9 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड किया था, तो मुझे 8 से 8 मिनट में खत्म कर लेता था। बट दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में जब आप लिखना स्टार्ट करते हो, तो जब आप एग्जाम में लिखना लिखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आइडियाज आने लग जाते हैं। अदरवाइज एग्जाम में आपको आइडियाज नहीं आएंगे एंड यू विल डिले इट, एंड देन आपको योर आंसर क्वालिटी विल ऑल्सो गो डाउन, एंड आपको टाइमिंग भी यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज। सो डू अ लॉट ऑफ रिटन प्रैक्टिस ऑन दिस। अभी अभी जैसे मैंने बताया कि कब एग्जाम देना है, अब अगर यूपीएससी की बात कीजिए तो वो आप डिग्री के बाद ही देंगे, बट वो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में डिपेंड करता है। मान लीजिए कैट का एग्जाम है, कैट का एग्जाम जनरली आप डिग्री के साथ दे सकते हैं, या वो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पे डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम है और वो एलिजिबिलिटी कब है। किसी की एलिजिबिलिटी नहीं है देने की, तो आप दोगे कैसे? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन इज द एग्जाम, व्हेन आर यू बिकमिंग एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन, और उसके बाद आप दे सकते हैं। तो एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, यू गिव इट आफ्टर द डिग्री, तो इट इज आफ्टर कंप्लीटिंग द थर्ड ईयर। सो यू फिल द फॉर्म व्हाइल यू आर इन द थर्ड ईयर, इफ इट्स अ 3 ईयर कोर्स, तो यू फिल द फॉर्म व्हाइल इन थर्ड ईयर, क्योंकि वो फेब या मार्च में आपका फॉर्म निकलेगा। आपकी डिग्री हो जाएगी मई में, तो आपका प्रीलिम्स होगा आई थिंक जून जुलाई में, और मेंस होगा आपका अक्टूबर में, तो तब तक आपकी डिग्री आपको मिल जाएगी। तो दैट इज हाउ यू शुड प्लान इट। तो यू फिल द फॉर्म व्हाइल इन थर्ड ईयर, बट यू डू इट आफ्टर योर थर्ड ईयर, योर एग्जामिनेशन भी आफ्टर योर थर्ड ईयर। व्हाइल कैट एग्जामिनेशन जो होता है, वो जो लोग थर्ड ईयर में है उन लोगों का शायद कल परसों में रिजल्ट आ ही गया है, तो वो एग्जामिनेशन आप अभी दे सकते हैं। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड किस तरह का पेपर, कौन सा पेपर है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो आप इनफैक्ट मैं अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ ना, तो इस तरह से होगा, जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं उनकी एलिजिबिलिटी जनरली पोस्ट योर ग्रेजुएशन होती है, क्योंकि वो उन लोगों को चाहिए पीपल हु आर रेडी टू वर्क फॉर देम। बट जो ट्रेनिंग एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कैट हुआ या और भी वो हुए, तो वो आपके डिग्री के साथ साथ हो जाएंगे, बिकॉज उसमें आपको और पढ़ना है। तो दे वॉन्ट यू टू कॉन्टिन्यू विद योर एग्जिस्टिंग, सो बाय द टाइम आपका ग्रेजुएशन खत्म हो, दे वॉन्ट यू टू बी यू नो डायरेक्टली अलॉन्ग विद देम। ठीक है, तो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जनरल कैटेगरी के जो अटेम्प्ट हैं वो 6 हैं, तो नाउ how do you attempt, how do you count the number of attempts? Every time you sit for the prelims, every time you sit for the prelims is considered an attempt. Iska matlab agar maine form bhar diya but main prelims mein nahi baitha, so it is not considered as an attempt. But agar main prelims mein baitha hu to that is considered as an attempt. Maine prelims ka paper khali chhod diya, it is still considered as an attempt. बट अगर मैं प्रीलिम्स में गया ही नहीं, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट। सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर। मी फॉर्म भरला डज इज नॉट अटेम्प्ट, मी त्या प्रीलिम्स मध्ये जाऊन बसला तर दैट इज कंसिडर्ड एज एन अटेम्प्ट। ओके, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन सेइंग कि फ्रॉम व्हिच बुक और व्हिच प्लेटफॉर्म शुड आई चूज फॉर इंप्रूवमेंट इन जीके एंड करंट अफेयर्स। सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बुक्स तो books obviously I would say NCERTs are the best, but general improvement ke liye I always suggest things like there are many applications and there are very online various online platforms, jaise forum IAS hota tha, IAS baba hota tha, and insights on India hota tha, which are very free, which are free. I'm not we should never like buy things. Most of the things in the world is free, like oxygen. Most of the useful things in the world are free. But you should not buy it unless you require it for testing yourself. But you should use these platforms, or ek hi platform, but ek hi cheez rakhiye ki ek hi platform pe aap kijiye, ya Insights on India le liya to Insights on India pe hi kijiye. Theek hai, because what happens is ki bar bar aapke number of platforms ki koi kami nahi hai, duniya mein hazar platforms honge, but ek platform ko pakad ke chalte hain to generally unka bhi ek ye rehta hai ki they will tend to cover certain area, to aur उससे आपको
ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा एंड यू विल बी एबल टू हैव अ गुड आइडिया, उसमें रिटन प्रैक्टिस वगैरह आप सब कुछ कर सकते हैं। सेकेंड चीज उसमें क्या है कि व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस रिटन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग, हाउ डू यू गेट इट इवेल्यूएटेड? अभी किसी ने पूछा है ये क्वेश्चन, तो व्हाट इज इवेल्यूएशन, एक ये चीज याद रखिए। अगर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, अभी जैसे इफ दिस एकेडमी हैज एक्सपर्ट्स, तो आप उनसे चेक करा सकते हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट अगर एक्सपर्ट्स नहीं हैं तो यू डू माई वे। तो मैंने क्या किया था, मैं घर पे था और मैंने किसी से कॉन्टेक्ट में नहीं था उस टाइम पे, तो मैं अपनी मम्मी से चेक कराता था। उसका रीजन क्या है, इट्स नॉट दैट माई मदर वॉज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन एनी अदर थिंग, बट व्हाट हैपन्स, आंसर राइटिंग का सर्वात महत्वाचार मत का अस्तित्व कि व्हाट एवर यू आर राइटिंग वो सामने वाले को समझ आ रहे कि नहीं। तो हमेशा मैं ये बोलता हूँ, अगर किसी लेमैन को समझ में आ गया, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को समझ में आ गया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, देन यू आर ओके। क्योंकि जब हम लिखते हैं ना कुछ भी आंसर, तो हमें लगता है यार ये तो इससे परफेक्ट आंसर कोई हो ही नहीं सकता, दिस इज द बेस्ट आंसर दैट यू रिटन। पर जब सामने वाला पढ़ता है तो उसको लगता है ये सबसे बेकार आंसर इसने लिखा। वो गैप कैसे आता है, वो गैप ऐसे ही आता है कि व्हाट वी आर थिंकिंग वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन आर राइटिंग टू द अदर पर्सन, एंड दैट गैप गेट्स फुलफिल्ड व्हेन यू गेट योर आंसर चेक बाय योर फ्रेंड्स और योर फैमिली और योर, अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट है तो दैट इज द बेस्ट, बट यू कैन गेट इट चेक बाय योर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इट चेक बाय योर फैमिली एंड यू कैन डिस्कस इट अमंग योर फ्रेंड वंस इन अ व्हाइल। एंड हम लोग का तो क्या था, वी यूज टू ऑलवेज से कि यू स्ट्रिक्टली चेक, मैं अपने मदर को ये बोलता हूँ स्ट्रिक्टली चेक माई आंसर्स, मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट आई हैव रिटन यू शुड गिव इट अ जीरो, बिकॉज दैट इज हाउ यू इम्प्रूव। मदर ने कितने मार्क्स दिए इज नॉट गोइंग टू गो टू द यूपीएससी, यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू कॉल अप योर मदर कि आपके बच्चे ने को कितने मार्क्स मिलते थे। इट्स ओनली व्हेन यू, एक सेइंग है ना कि इफ यू आर हिट द हार्डेस्ट इन योर होम और इन योर ट्रेनिंग, देन इन द वॉर फील्ड यू विल नॉट सफर सो मच। तो यूपीएससी का जो एग्जाम है वो एक वॉर है, तो उससे पहले की ट्रेनिंग आपकी बहुत हार्ड हुई तो आपको वॉर आप बहुत इजिली जीत जाओ, तो दैट इज इम्पोर्टेंट, यू कैन गेट इट चेक बाय एनी वन एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो तुमने बोला जो तुमने लिखा वो सामने वाले को समझ आ रहा है कि नहीं, अगर नहीं आ रहा तो ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग, ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग, ट्राई टू इंक्लूड मोर पॉइंट्स, ट्राई टू रीड मोर, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अबाउट लबासना ट्रेनिंग, आई थिंक लबासना एकेडमी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एकेडमी। यस लबासना में ट्रेनिंग होती है, वी हैव अ 2 ईयर ट्रेनिंग, दैट ट्रेनिंग हैज अ सैंडविच पैटर्न, इसमें वी हैव ट्रेनिंग एकेडमी में, देन वी हैव अ भारत दर्शन, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग फॉर एन ईयर एंड देन वी गो बैक टू द एकेडमी एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फील्ड एक्सपोजर। एंड आई हैव टू से वन थिंग, लबासना एकेडमी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एकेडमी, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड रीजन फॉर यू टू वर्क हार्ड टू गेट देयर। मतलब इमेजिन यार आप, इट्स लाइक अ 2 टू 3 2 ईयर्स में आपको, जब भी आप लवासना में रहते हो इट्स लाइक अ पेड हॉलीडे फॉर यू, तो दैट इज आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट अकेडमीज इन इंडिया। सो एंड इट्स अ हिल स्टेशन, इट्स अ ब्यूटिफुल अकेडमी, तो प्लीज वर्क हार्ड फॉर दैट अकेडमी इफ दैट इज वन थिंग। बट उस अकेडमी में जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एंड आई एम नॉट गोइंग टू सी, एक फ्रेंड ने मुझे एक चीज बोली थी विच आई थिंक इज वेरी करेक्ट, यू कैन डाउट द कैलिबर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर, यू कैन डाउट द कैलिबर ऑफ एन आईएएस ऑफिसर बट यू कैन नॉट डाउट देयर हार्ड वर्क। आप ये बोल सकते हो यार ये अमन मित्तल तो गधा लग रहा है, ये कैसे आईएएस में हो गया, बट यू कैन नॉट से कि अमन मित्तल ने हार्ड वर्क नहीं किया। हार्ड वर्क इज द प्री रिक्विजिट, उसके आगे लक आता है, लक आता है, योर लक कैन नॉट बी सो ग्रेट दैट यू कैन गेट थ्रू विदाउट हार्ड वर्क, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड देन देयर द फैक्टर ऑफ लक कम्स इन। लक इज नॉट गोइंग टू मेक यू लाइक सडनली सक्सेसफुल, एंड लक फेवर्स दोज हु वर्क हार्ड, सो जस्ट वर्क वेरी हार्ड। कि लक अगर बहुत ही ज्यादा खराब भी हो ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड टू गेट इन टू दैट अकेडमी। तो ये चीज आप देखिए, अब मैं लास्ट कुछ टाइम आई विल बी ओनली स्पीकिंग अबाउट यूपीएससी
सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपको समझना चाहिए कि वी आर लार्जली लुकिंग एट सिविल सर्वेंट्स हु विल बी डिसीजन मेकर्स, तो इसलिए योर थिंकिंग हैज टू बी कॉन्साइज प्रेसाइज एंड एडवाइजरी। यू आर गोइंग टू एडवाइज द पीपल हु विल बी मेकिंग द डिसीजंस, और यू विल बी इन द डिसीजन मेकिंग पोजिशन, और यू आर गोइंग टू एडवाइज द पीपल हु आर गोइंग टू मेक द डिसीजन। तो आपको आपका थॉट ऑफ एक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए एंड बहुत ब्रॉड होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग दैट, कई बार लोग एक ही तरह से सोचते हैं एंड उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। किसी भी एस्पेक्ट के पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, उसका सोशल एस्पेक्ट होता है, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, समथिंग विच में सीम वेरी करेक्ट टेक्निकली, विच में सीम टेक्निकली वेरी करेक्ट कि यार यही होना चाहिए, घर ऐसा ही बनना चाहिए, मे नॉट सीम करेक्ट इकोनॉमिकली और मे नॉट सीम करेक्ट पॉलिटिकली। तो यू शुड बी एबल टू थिंक फ्रॉम मेनी मेनी एंगल्स ऑन अ प्रॉब्लम एंड बी एबल टू पुट योर वर्ड्स इन अ वेरी कंसाइज नोट। कैबिनेट नोट जो होता है वो एक पेज या दो पेज का होता है मैक्सिमम, जिसके ऊपर आपकी बड़ी बड़ी देश की पॉलिसीज बनती हैं वो एक या दो पेज का नोट होता है, उसके अंदर सारे सारे एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू हैव टू डू आंसर राइटिंग, कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स एंड मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स एंड बी वेरी क्लियर कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो ठीक, नहीं होना चाहिए तो क्या क्या इंप्रूवमेंट करा तो वो कर सकते हैं। तो यू हैव टू बी क्लियर इन दैट एंड अभी somebody is asked कि how to improve English and vocabulary. I think one of the best ways to do improve English is to read newspapers and do answer writing. आप answer writing कीजिए and newspapers का वाचन केला पाहिजे आपण। ही गोष्ट केली तर मला वाटतं आपली इंग्लिश आपोआप इम्प्रूव्ह होणार आहे। आता वाटणार की बाबा इंग्लिश कसे चांगली होईल। See, I'll tell you a very simple thing. I was an engineer. हमको बहुत बड़ा हैंडीकैप था कि we did not have the, हम राइटिंग ज्यादा करते ही नहीं थे, हमें चार साल में ज्यादा लिखा ही नहीं था। And suddenly we did so much of answer writing. तो मैंने प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करी कि by the end of it I was so used to writing. Similarly English में सेम ही चीज़ है, आप पहली बार जब लिखेंगे दूसरी बार लिखेंगे तो आपको लगेगा अरे बहुत टफ है, बट बाय द टाइम यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन आपकी बहुत अच्छी हो चुकी होगी इंग्लिश भी और वोकैबुलरी भी। सिमिलरली हाउ डू यू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग, आई थिंक इंग्लिश स्पीकिंग डायरेक्टली इम्प्रूव, आई थिंक वेन यू लुकिंग एट एन MBA काइंड ऑफ एग्जाम या बाहर अगर जाना है तो उसके लिए जरूरत होती है, बट बेस्ट वे देन अगेन इज टू स्पीक विद पीपल। आप लोगों से बात कीजिए, कॉन्फिडेंटली बात कीजिए, योर इंग्लिश विल इम्प्रूव। एंड आई थिंक हाउ डू यू प्रिपेयर, कैन यू हियर मी नाउ? Audible, no yes, problem. Yes, yes. Continue, sir. Continue, yes. No problem. So I am assuming that you have a Wi-Fi problem. So yeah, आपको English speaking अगर सीखनी है, improve करनी है, तो you all only have to start speaking in that. घर से उन घर वालों से बात कीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जिनके साथ आप comfortable हैं English में. Friends से बात कीजिए, it will be fine. And English speaking is not a handicap as far as UPSC is concerned. इनफैक्ट मैं आपको एक बताऊं क्या, शुद्ध हिंदी या शुद्ध मराठी जब कोई बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट इट्स जस्ट दैट कि वो आर्ट बहुत ही कम लोगों में रह गई है आजकल। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विदाउट कोचिंग, इट इज वेरी मच पॉसिबल। आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, मैंने बताया ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, उसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चन पेपर डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आप में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप यू शुड बी रेडी टू वर्क हार्ड, 12 to 14 hours मिनिमम आपको देना चाहिए। फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंस्पिरेशन, एक स्टीव जॉब्स का एक स्पीच है विच रियली इंस्पायर्ड मी। व्हाई डिड इट इंस्पायर मी वाज आल्सो बिकॉज इट हैड दिस ब्यूटीफुल 40 मिनट की स्पीच है स्टैनफोर्ड की। आई विल ट्राई टू सेंड यू द लिंक बिफोर दिस थिंग इट्स ओवर। एक मिनट, आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड द लिंक फॉर यू। स्पीच है, इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल इन द सेंस कि इट टेल्स अ लॉट अबाउट लाइफ। उसने तीन ही चीजें बोलते हैं वो, कि हाउ यू नो वेन यू आर लुकिंग फॉरवर्ड आपको लगता है ये चीजें बहुत टफ है, बट वेन यू आर लुकिंग बैकवर्ड इट सीम्स लाइक द थिंग्स आर सो सो ईजी।
I think that is a very important aspect of things. So for those who want to watch it, I have just put in the link here. So I think you should always look at such motivational videos, but you should always be ready to work hard 12, 14 hours. And you should not be worried about it. अभी इतना मेहनत करनी पड़ रही है, माई बॉडी इज फीलिंग दिस. नो, इट्स ओके. वंस यू गेट थ्रू, यू कैन ऑलवेज, यू नो, यू विल ऑलवेज रियलाइज दैट यू विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस हार्ड वर्क. एंड यू शुड वर्क रियली रियली हार्ड इन टर्म्स ऑफ योर फोकस. एंड यू शुड बी टोटली प्लान्ड कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है. उसके लिए ये चीजें, चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली, मुझे चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने ऑप्शनल के, छह क्वेश्चन सॉल्व करने जीएस के. वो डेली करना है तो मतलब करना ही है. And I used to be very motivated by this video. Some people may not be motivated. That is totally fine. But somebody has just asked me that many people say that if you are an aspirant of administrative services, you must have prepared from your child. It is totally wrong. It is totally wrong. क्योंकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की, मैंने तो बिल्कुल एंड में स्टार्ट करी. Frankly speaking, मेरा IAS बनने का पहले बिल्कुल मूड नहीं था. I was in totally technical in terms of मेरी इंजीनियरिंग में. फोर्थ ईयर तक आई हैड नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग आईएएस. इट्स ओनली इवेंचुअली देन यू रियलाइज कि ऑल द ऑप्शंस दैट यू हैव, कि आपको क्या क्या करना चाहिए. एंड जॉब में बैठना है या प्लेसमेंट्स में बैठना है, या आपको कोई एमबीए करना है या सिविल सर्विस देना है, या एमएस के लिए अप्लाई करना है, एमटेक के लिए अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना है. एंड दैट इज व्हेन आई सेड कि नहीं, आई थिंक सिविल सर्विस लुक्स गुड एज फार एज माय द वे आई यूज्ड टू थिंक, द वे आई the kind of job I wanted. Well, yeah, then you get, then you can start preparing. And 2 years, kya main bata raha hu, ek saal mein aap aaram se ban sakte hain civil servant. It is just that it requires you to work hard. Daily aap 12-14 ghante without break aapko padhna hai. Okay. And as far as coaching is concerned, maine ek join kari thi, but then I stopped going there. And that I think was the best decision of my life. Because I think coaching का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? I do not say no to coaching, I do not say yes to coaching. मैं no क्यों नहीं कहता हूँ? क्योंकि coaching is actually useful in terms of आपको ये पता चलता है कि पढ़ना क्या है आपको और कैसे पढ़ना है. But once you know that, उसके बाद I think sometimes coaching becomes a drag. And I think I'll just like to cover one last point कि जो अभी आपने पूछा कि how do you maintain consistency? So I think consistency maintain करने के लिए मैं क्या करता था? I used to make a plan. जैसे आज 5th January है, examination let's say 10th June को है, तो 5th January से मैं daily का plan, 6th January, 7th January, 8th January से लेकर 10th June तक का एक वो बनाता था. और 5 June को, 6 June को मैं ये करूँगा, 6 June को मैं ये करूँगा, 7 June को मैं ये करूँगा, 8 June को मैं ये करूँगा. तो daily मुझे क्या करना है उसको मैं plan बना के अपनी table पे या अपनी कबर्ड पे चिपका लेता था. So what happens is usse you have a basic idea uthte hi ki kya karna hai, aur dusra ek time table bana ke apna time table follow karne ke liye apna time table samne laga lo. Ye do cheeze kar li to at least ek mind aapko baar baar bolta hai ki yes, I have to actually work hard, I don't have to waste my time, I have to really work hard. And dusra kya hota hai usme, there is a 21 day challenge. Koi bhi habit aapko change karni hai to 21 day agar aapne koi bhi habit follow kar li, ki time table aapne 21 days ke liye follow kar liya, to wo time table, तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी. तो 21 डेज तक आप अपना टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कीजिए, एंड आपकी धीरे धीरे कंसिस्टेंसी खुद आ जाएगी. एंड दैट इज हाउ यू एनकरेज योरसेल्फ आल्सो. एंड आई थिंक वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू शुड रियली रियली स्टॉप डिस्ट्रैक्शंस. आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल हैव सी दे वेस्ट टू मच टाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड थिंग्स व्हिच आर नॉट यूजफुल. सो आई थिंक दिस इज व्हाट यू शुड कट. आई डोंट थिंक अगर इंस्टाग्राम नहीं किया तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, या फेसबुक नहीं किया तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी. सो आई थिंक यू शुड रियली कट दीज डिस्ट्रैक्शंस. यू शुड फोकस ऑन अ स्मॉल ग्रुप, योर टीचर्स, योर एकेडमी, योर प्रिपरेशन एंड नथिंग एल्स. क्योंकि मैं बताऊँ क्या, स्पेशली व्हेन यू लुक एट अ टॉपिक लाइक दिस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड यूथ, स्पर्धा परीक्षा एंड तरुण, दिस इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव फॉर मेकिंग योर करियर, वेयर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाईएस्ट. People can become doctors, can become engineers, people can become IAS nahi ban payenge, but people can change careers at later stages also. They become great entrepreneurs. But the return of investment, aaj aapka time
पार्टी में जाने के बजाय आप मेहनत करने पे जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आज मिलेगा वो आपको 40 साल बाद नहीं मिलेगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड रियली फोकस ऑन, रियली रियली फोकस ऑन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। साउंड इज वेरी लो, ओके आई थिंक I'll try to be louder, but I think I'm almost at the end of my. Sir, you are right. You are right. Your sound is okay. The problem might be with that person. You are okay. Go ahead. Go ahead. Thank you. I think one of the good things when you get into IAS also is that you are always right. So prepare hard. उसके बाद life में you will never be wrong. Yeah. So which post UPSC conducts exam for? So UPSC जो है वो Public Service Commission है. जैसे एमपीएससी है वैसे ही यूपीएससी है, एंड वो आईएएस आईपीएस आईआरएस के लिए तो सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराते ही है, वही टेक्निकल सर्विसेज के लिए इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, वही मेडिकल सर्विस के लिए कॉमन मेडिकल सर्विस का एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो वो बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है फॉर ऑल द सेंट्रल एंड ऑल इंडिया सर्विसेज। सेंट्रल के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो यूपीएससी है। तो दैट इज इट। सो आई थिंक आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ सेइंग ओनली टू थ्री थिंग्स। एक, यू शुड बी टोटली फोकस्ड, यू शुड नो एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम आप देने वाले हैं, उसका सिलेबस क्या है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें डेप्थ क्या है, एंड यू नो ऑल दीज क्वेश्चंस यू शुड हैव रियलाइज्ड व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर। उसके बाद आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे ये वाला एग्जाम देना है, मुझे यूपीएससी देना है, तो उसके लिए यू शुड गेट द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स एंड ऑनलाइन मटीरियल जिससे आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। मेक अ स्केड्यूल, मेक अ टाइमलाइन और उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप देना चाहते हैं, और उसको 100% फोकस करके उसमें अटेम्प्ट दीजिए। वर्क वेरी हार्ड, कीप योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, मेंटेन कंसिस्टेंसी बाय दिस 21-day चैलेंज। मैंने जो आपको बोला 21 days तक एक हैबिट तैयार करके रखिए तो यू विल सर्टेनली क्वालिफाई, यू विल सर्टेनली बी एबल टू चेंज द हैबिट, एंड वर्क वेरी वेरी हार्ड। 12 to 14 hours a day यू शुड बी एबल टू वर्क हार्ड। I think that is very very important and good online platform. I think बहुत सारे online platform हैं, मैंने पहले भी नाम लिया था, I think Insights of India है, Forum IAS है, IAS Baba है, अब और भी आ गए होंगे। तो all these platforms, उसमें एक platform पकड़ लो और उसे एक platform पे ही करो, because क्या होता है बार बार आपने बहुत सारे platform करने की कोशिश की तो आपका mind भी disturb होता है, divert भी होता है। That is very very important. Sir, sir, share your sir share your experience of interview in brief so that they will motivate. Okay. So yeah, I think it is very interesting. क्योंकि मेरा जब इंटरव्यू में मैं घुसा था, so obviously stress होता ही है, and घड़ी वगैरह उसमें allowed नहीं होती है. It was slightly stressful कि क्या होगा. तो गए तैयारी करके गए थे, and then I sat down and they asked me the first question. मतलब, name a few IFS officers who have done great job for the country. And then I was like totally taken off. क्योंकि हमारे तैयारी में था कि so that is where I say don't go with any preconceived notions. Interview is just like talking to any senior. आप अपने professor से जिस तरह बात करते हैं उसी तरह से आपने आपको बात करनी चाहिए। पहला question पूछा तो was like ये नाम नहीं लेना चाहिए, तो I said everyone is doing a good job. And then he said what am I asking and what are you saying? Now generally what happens is when somebody says this is concerned कि यार interview बहुत खराब हो गया, तो I was like slightly taken back, and then somehow that relaxed me because I was realized कि अब खराब हो ही गया है तो अब आराम से जो भी बोलना है बोल देते हैं। Then it started. Then I gave him a few answers. Then he asked me a lot of question. I was wrong at many places. जब भी कुछ ऐसा लगता था आंसर गलत है, तो मैं ये बोलता था कि I may be wrong sir, but I'll go back and check it. It's not like suddenly you change the answer. You say, I may be wrong. Sometimes you say कि नहीं ये चीज X है, they might say नहीं ये तो Y है. So you can just say, sir, in my opinion it is X, but it may be Y, then I'll go and check. So that is how one answers. And उसके बाद धीरे 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 different types of questions हुए, I answered. Deep में कुछ questions गए, there was a point when मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं बोलता था कि maybe sir, I probably do not know about it. So this interview kept on going. कैप्टन आस्किंग क्वेश्चन, मेडिटेशन पे हुआ, इलेक्ट्रिकल पे हुआ, आर्म्स लॉ, यूएस लॉस पे हुआ, एंड आई थॉट कि जब मैं बाहर निकला मुझे लगा था 10-15 मिनट हुए होंगे, बिकॉज यू आर इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यू डू नॉट इवन रियलाइज कितना टाइम हुआ।
बट इट इज लेटर दैट आई रियलाइज कि मेरा इंटरव्यू 50 मिनट्स तक के लिए चला था. तो आई थिंक दैट सो वन थिंग आई रियली अंडरस्टूड फ्रॉम द इंटरव्यू इज वन थिंग, यू शुड नेवर गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशंस. यू शुड नेवर यू नो स्टॉप वर्ड्स फ्रॉम कमिंग टू योर माउथ. जस्ट दैट वॉट एवर यू आर सेइंग, जब भी आपको लगता है आपको नहीं आता, यू शुड कॉन्फिडेंटली एबल टू से इट कि सर आई डू नॉट रिमेंबर डूइंग इट, और आई डू नॉट रिमेंबर इट राइट नाउ, और आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, एंड दे डोंट माइंड. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक यू शुड हैव अ, इट्स अ जस्ट अ जनरल कॉन्वर्जेशन दैट यू आर हैविंग विद अ फ्यू सीनियर्स हु हैव अ लॉट ऑफ लॉट मोर एक्सपीरियंस देन यू. सो इफ यू ट्राई टू यू नो ट्राई टू डू एनी काइंड ऑफ फ्रॉड और यू ट्राई टू हाइड एनीथिंग, दे विल नो इमीजिएटली. तो बी वेरी नेचुरल एंड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. योर ड्रेसिंग सेंस शुड बी गुड, योर पोलाइटनेस शुड बी टोटली नाइस, एंड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक यू शुड स्टे मोटिवेटेड बाई दिस बाई कीपिंग अ गोल एंड कीपिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कीपिंग अ टाइम लाइन, कीपिंग इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू. एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी. मतलब आई थिंक दैट इंटरव्यू, द बिगेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम दैट इंटरव्यू, डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड नोशन एंड हैव अ जनरल गुड कॉन्वर्सेशन दैट यू विल हैव विद योर सीनियर्स. ये मतलब फॉर मी इट वॉज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. मुझे लग रहा था 10 मिनट का हुआ और मैं पाया था, मुझे लगा था बहुत खराब इंटरव्यू हुआ है. एंड लेटर ऑन मैंने रिकॉल आई रियलाइज नहीं 50 मिनट का इंटरव्यू चला है, एंड उसमें बहुत कुछ पूछा गया है, एंड मैंने दे गिव मी वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो बाय द वे. तो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू शुड ऑलवेज रियलाइज, नेवर गो विद एनी काइंड ऑफ अ प्री कंसीव्ड नोशन. एंड यूपीएससी एंड इंजीनियरिंग की स्टडीज कैसे आप साथ में कर सकते हैं? यार मुझे पर्सनली लगता है इंजीनियरिंग में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती है टुवर्ड्स लास्ट फ्यू कोर्सेस, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में मैक्सिमम पढ़ाई होती है, लास्ट में आपका या तो बीटीपी रहता है, मेरे केस में एमटीपी था, या एक या दो कोर्सेज रहते हैं. तो उसके साथ आप कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, बट आई डोंट सी इट इज वेरी वेरी टफ. क्योंकि मतलब यू आई आई डोंट नो, मतलब आई पर्सनली फील, वैसे भी इंजीनियरिंग के जो बच्चे होते हैं वो लास्ट के 4 या 5 दिन ही पढ़ते हैं. आपके सेमेस्टर में 5 दिन छोड़ के आप बचे हुए टाइम आप तैयारी कर सकते हो. एंड आई यूज टू वर्क फॉर 15 से 17 आवर्स ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग, तो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर समबडी नॉट बीइंग एबल टू डू इट. आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड से कि मतलब इट इज योर फोकस. अब इफ यू इफ दोज ऑफ यू स्पेशली इन इंजीनियरिंग जिन्होंने एलन मस्क के बारे में सुना होगा, टेस्ला कंपनी का जो ओनर है, इट इज सेड दैट ही यूज टू वर्क 22 आवर्स अ डे. मतलब इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज, बट आई डोंट नो 22 आवर्स होगा कि नहीं, बट आई थिंक इट इज अबाउट मोटिवेशन, इट इज अबाउट दैट पैशन ऑफ यू बीइंग एबल टू डू समथिंग व्हिच यू रियली वांट टू डू. एंड जब वो पैशन आता है तो आई डोंट सी एनीथिंग एज अ हिंड्रेंस. 18 घंटे काम करने वाले कितने लोग होते हैं? बहुत लोग होते हैं. तो इंजीनियरिंग के लिए अगर मैं 2-3 घंटे भी पढ़ लिया, 4 घंटे आपकी क्लासेस बहुत कम रहती हैं लास्ट के 2-3 साल में, 3 या 4 घंटे की क्लासेस रहती है. मुझे 10-12 घंटे भी आपने तैयारी करी तो दैट इज मोर देन सफिशियंट. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मैनेज करना मुझे लगता है खुद सीखना पड़ता है टू बी एबल टू मैनेज दैट. तो आई थिंक वी आर डन विद द क्वेश्चंस एंड आई एम डन विद व्हाट आई हैड टू से. So if there are no further questions, then I would really like to thank all of you for being present, and specifically the Dr. Kamble for inviting me here. And I Sarvani ka bhi khub khub dhanyawad karte hain, karan ki apan Sarvani evda ek tas mala aikla ani apan ved dili. I only hope that it comes out useful for you and you are really able to make it big. एंड नेक्स्ट ईयर आप मसूरी में मिलें, दैट इज हाउ आई, और वेयर एवर यू वांट टू गो, व्हिच एवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू वांट टू गिव, यू आर टोटली फोकस्ड टू दैट एंड आई होप दिस टॉक रियली हेल्प्स. एक्सलेंट एक्सलेंट लेक्चर सर, वी विल बी इन कम्युनिकेशन इन द फ्यूचर एज वेल. योर सर्विसेज आर वेरी मच नीडेड फॉर दिस सेंटर एंड यूनिवर्सिटी. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. आई विल ऑलवेज बी देयर. ओके, धन्यवाद सर. यू हैव टच ऑल द पॉइंट्स विद द लिमिटेड टाइम एज यू सेड अर्लियर. And very interactive session you have conducted for our students. Thank you very much. मी तेजपाल मोहरीकर सर यांना विनंती करतो की त्यांनी वोट ऑफ थँक्स करावं. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. शिवाजी विद्यापीठाच्या UGC मान्यताप्राप्त स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने जे व्याख्यानमाला आयोजित करण्यात आलेले आहे त्यातील आज पहिला दिवस, आणि पहिल्याच दिवशी
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ मिस्टर अमन मित्तल सर यांनी स्पर्धा परीक्षा आणि तरुणी या विषयावरती या सहभागी सर्व मेंबर्सना जे काही मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी या मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने त्यांचं आभार मानतो. तसेच शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर डी टी शिर्के सर हे या कार्यक्रमामध्ये सहभागी राहिले, त्यांचंही मोलाचं मार्गदर्शन सुरुवातीला मिळालं, त्याबद्दल मी त्यांचंही आभार मानतो. तसेच स्पर्धा परीक्षा केंद्राचे समन्वयक डॉक्टर पी एस कांबळे सर यांनी या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं, त्यांचंही मी आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमाचे होस्ट परशुराम वडार सर यांचंही मी आभार मानतो, व जे या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झालेले सर्व पार्टिसिपंट त्यांचंही मी या ठिकाणी आभार मानतो, व अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. धन्यवाद.